ये है दिल्ली दर्पण। इतना बड़ा चाकू तो उसे गांव पे जा रहे थे, गांव पे जा रहे थे, बहुत खून निकला है। जैसा मेरी बच्ची के चाकू मारे हैं ऐसे ही मेरे गले से मैं जमीन ठंडक पड़ेगी तो फिर ऊपर फांसी लगवा दे उसे। कुछ नहीं करते थे, काफी टाइम से परेशान करते थे, टॉर्चर करते रहते थे, लड़की ने कभी कुछ बताया नहीं हमारे को। राजधानी दिल्ली में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया कि एक पति ने अपनी ही पत्नी के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। 8 से अधिक वार अफसाना के ऊपर किए गए हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये उनके परिवार के लोग हैं। यहाँ पर दीपचंद बंधु अस्पताल के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है और किस तरीके से रो रो करके बुरा हाल उनका हो रहा है। और ये अगर बात करें इस पूरे घटनाक्रम की तो अफसाना जो थी लगातार अपने पति से परेशान थी और जिनके पति के ऊपर आरोप था कि वो जो है कोई प्रकार किसी कोई काम नहीं करते थे वो। और जब आज बुनकर कॉलोनी के गेट के सामने जब उसे अफसाना मिली तो उसने उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमारे साथ परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे जानकारी लेंगे। उस वक्त आप मौजूद थे, क्या कुछ हुआ वहाँ पर? अफसाना को उन्होंने क्यों इतनी ताबड़तोड़ चाकू चला दिया? हम बाजार गए थे आहिल का स्कूल का बैग लेने के लिए, रिक्शे से उतरे, वहां से जा रहे थे अंदर, वहां खड़े हुए थे, गिरेबान से पकड़ कर खींच कर ले गए गाड़ी के पीछे। मेरे हाथ में दोनों बच्चे थे, मैंने उनको पकड़ रखा था और इतना बड़ा चाकू तो उसे खोपे जा रहे थे, बहुत खून निकल रहा है। मैं चिल्ला रही थी, आहिल भी चिल्ला रहा था, आहिल ने भी देखा है मारते हुए चाकू। 5 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल की वजह से स्कूल बैग लेने के लिए नहीं। रिक्शे में भी कोने को भाई को मरवा दूंगा, तेरे बाप को मरवा दूंगा, इसी डर से वो बताती नहीं थी कभी भी। अपनी बार उसने बताई तो मैंने कहा हम देख लेंगे कैसे वो मार देगा, तुमने वही काम कर दिया। पहले से किसी तरह का विवाद चल रहा था अफसाना और उनके बीच, क्या पूरा मामला हो रहा था? जुआ सट्टा खेलता था वो, सारी बातें कभी बताती नहीं थी, डराता था, उसको धमकाता था, मारता था कि तेरे भाई को मार दूंगा, तेरे बाप को मार दूंगा, तेरी बहनों को बदनाम कर दूंगा, इस चक्कर में वो डर से कोई बात बताती नहीं थी। आज जो थी अफसाना वो बच्चों के लिए बैग लेने के लिए गई थी, बैग लेने के लिए गई थी स्कूल में, माँ भेजा था स्कूल में जहांगीरपुरी, यहाँ से हम बराबर भेज रहे थे, फिर वहां से पकड़ के हाथ में से खेच खेच के ले जाता था, तो वहां से हम ले आए, हमने यहाँ पे नाम लिखवा दिया, तो यहाँ स्कूल बैग लेने के लिए गई थी। पहले से क्या विवाद चल रहा था? माँ बाप भी, बहन बहनोई भी, जेठ जिठानी भी, सब परेशान करते हैं, सारे के सारे बहुत। साथ रहती थी अफसाना उनके? हाँ, सबके साथ रहती थी, कमाता नहीं था, मारपीट बहुत रखते थे, जुआ सट्टा सब बताती है, वो पहले से नहीं बताती थी डर के मारे। मतलब अफसाना बिल्कुल सब कुछ अकेले सहती रही, परिवार को भी नहीं बताया, लेकिन आज ऐसी क्या परिस्थिति हो गई जब उनकी बहन भी वहाँ पर मौजूद थी, क्या हो गया ऐसा? बहुत दिन से परेशान कर रहा था, 3 महीने से हमने रोक ली थी, भेजी नहीं थी, 3 महीने हो गए थे भेजे हुए। उसके माँ बाप इतवार को आए थे लेने के लिए, हमने मना कर दिया था कि हम नहीं भेजेंगे, जब वो कैसे जुआ सट्टा खेलता है वो करता है। तो बच्चे भी थे अफसाना? बच्चे भी दोनों थे अफसाना के, एक लड़का एक लड़की है, उसके स्कूल बैग लेने के लिए गई थी। क्या चाह रहे हैं जिस तरह की घटना थी? अभी अफसाना की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है, क्या कुछ अभी आगे चाह रहे हैं प्रशासन, दिल्ली पुलिस? जैसा मेरी बच्ची के चाकू मारे हैं ऐसे ही मेरे गले से मैं जमीन ठंडक पड़ेगी उसे, बिल्कुल फांसी लगवा दे उसे, मेरी बच्ची को फिर आगे परेशान करेगा वो, जब जिंदा रहेगा तो, वो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। इससे पहले भी किसी तरह की मारपीट या ऐसी कुछ हरकतें उन्होंने करने की कोशिश की पहले? उसके लड़की के साथ खूब मारपीट करा, एक दिन स्कूल छोड़ने के लिए जहांगीरपुरी गई थी तो इसके हाथ में से छीन के ले गए थे, स्कूल का वाक्य है ये, स्कूल में भी स्कूल वालों
ये तो कांप गई थी, लड़के को ले गए थे छीन के। मैंने जब भी कहा था इससे पूरे बहुत मुझे नहीं पता कहाँ मार रहा है। पुलिस पहुंची, पुलिस से किसी तरह की बातचीत की आपसे, अभी कहाँ है वो? नहीं, पुलिस वाले मेरे पास नहीं आए, मुझे नहीं पता अस्पताल में अंदर है लड़की। तो साफ तौर पे जो अफसाना का इलाज है वहाँ पे चल रहा है। घटना के बाद वहाँ पर पुलिस पहुंची, क्या पुलिस ने आपसे कुछ बातचीत करने की कोशिश? वहाँ पर कोई भी नहीं था, मैं रिक्शे में चिल्ला रही थी, वहाँ पर चिल्ला रही थी, सबको आवाज लगा रही थी। रिक्शे वाले भैया ने रोका रिक्शा, उनको बिठा के सीधा हॉस्पिटल आ गई मैं। वो जब आप उनके साथी वो पीछे से आ रहे थे, उनका पीछा कर रहे थे, क्या अचानक कैसे आ गए? वहीं पर ही खड़े हुए थे, उन्होंने हमें आते हुए देखा और पकड़कर ले गए अंदर। मैंने दोनों बच्चों को पकड़ रखा था, उन्होंने पीछे कमर के पीछे चाकू छुपा रखा था, इतना बड़ा चाकू था, उसे गांव पे जा रहे थे, बहुत खून निकला है। आज जो घटना हुई, सारे घर को, सारे सास ससुर नंद नंदो जेठ जेठानी सबको बंद करवाओ, सबको एक तरफ से। आज जो घटना हुई, सिर्फ अफसाना के ऊपर हमला करने की कोशिश हुई या जो बच्चे मौजूद थे या जो उनकी बहन थी उनके ऊपर भी? बच्चों को मैंने पकड़ लिया था, क्या पता वो उन्हें भी मारते। मैंने पकड़ लिया था, क्या पता मुझे भी मारते। उन्हें पकड़ के ले गए थे, गांव पे जा रहे थे चाकू, इतने में और लोग आ गए, और लोगों ने देखा तो वो भाग गए, फेंक के वहीं पर फेंक के मार गए, लेटे हुए भी घोप रहे थे चाकू। मतलब दरिंदगी की एक हद होती है, और अपने ही पत्नी के ऊपर कोई इस तरीके से जानलेवा हमला कैसे कर सकता है? उनके भाई हैं, हालांकि दिल्ली पुलिस ने उससे चाकू को बरामद कर लिया है और आगे की जो पूरी कार्रवाई है उसमें जुट गई है। सबसे पहले तो आप नाम बताइए उनका, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, क्या नाम था उनका? परवेज नाम था जी उनका। उन्हें चाकू मारे काफी दिन, परवेज नाम था उनका, ठीक है। बाप का नाम आसिफ है। लंबे समय से ये विवाद चल रहा था दोनों के बीच, जैसा कि उनकी माँ ने बताया कि अफसाना सब कुछ अकेले सहती रही, घर में भी अकेली सह रही थी, ना वो काम करते ना दाम करते, कुछ नहीं करते थे, काफी टाइम से परेशान करते थे, टॉर्चर करते रहते थे। लड़की ने कभी कुछ बताया नहीं हमारे को, अब 2-3 महीने से उन्होंने बताना चालू कराया, तो अब वो बीमार को यहाँ घर पे छोड़ गए थे, अब वो बीमार थी, अब उसको यहाँ घर पे बीमार को घर पे छोड़ के चले गए, तो हम इलाज करवा रहे थे, तो ये लेने के लिए आए थे अभी, तो हमने इसलिए लड़की गई नहीं जो अंदर एडमिट है, जिसके अफसाना के चाकू मारा, ये गई नहीं, इनने मना कर दिया, जब तक कमाओगे नहीं दमाओगे नहीं उल्टे सीधे ऐप नहीं छोड़ोगे जब तक मैं नहीं जाऊंगी, इसने साफ ऐसे करके मना कर दिया। तो 4-5-10 जो भी इन्होंने, इनके माँ मम्मी पापा वापा जो भी आए थे, सबके सामने जो बात हुई थी, उनके सबके सामने बात हुई थी, सब कह के चले गए थे कि 2 से 3 महीने का टाइम देते हैं, जब तक तुम सही कमाते दमाते हो ठीक हो जाएंगे तो लड़की को तुम्हारे साथ भेज देंगे। उसके बाद आके अभी इन बातों को 4 से 5 दिन हुए, अब आके बाहर गली के बाहर ही अफसाना बाजार गई हुई थी, आके चाकू मार दिया, चाकू पुलिस ने बरामद कर लिया। चाकू पुलिस के पास ही है। कुछ आगे बातचीत हुई पुलिस को लेकर, कार्रवाई को लेकर के कुछ बातचीत पुलिस ने? नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वालों ने उनका नाम वाम लिख लिया है, सारा कुछ लिख रहा है, पुलिस वाले लेके चले गए हैं, बाप का नाम, उसका नाम, और उसको थाने में जमा करवा दिया, थाने में है वो लड़का जो है थाने के अंदर। अच्छा, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया? थाने में है, लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप प्रशासन से कि साथ दे प्रशासन, या फिर जो कार्रवाई है? सर, प्रशासन से हमारी यही मांग है, वो हमारा साथ दे, जो भी है उनके घर वाले सारे टॉर्चर करते हैं, सारे परेशान करते हैं, हमारी लड़की ने कभी बताया नहीं, इनके जो मम्मी पापा हैं ये बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, और भाई बहनों जो भी है सारे के सारे, ये सारे बहुत परेशान करते हैं, ये लड़की बहुत परेशान है काफी टाइम से, इनने कभी बताया नहीं, मारने की धमकी देते हैं, कभी बोलते हैं तेरे बाप को मरवा दूंगा, कभी भाई को मरवा दूंगा, कभी कुछ कहते हैं कि तेरे बाप भाई की दुकान जानता हूँ, सब जानता हूँ, चाकू मरवा दूंगा, कर दूंगा, सारी कार्रवाई करते हैं। एक लड़की ने हमें कभी नहीं बताया, अभी ये 2 महीने से घर पे आई है, जब इनने सारे बातें बताई है हमारे को आके, तब हमने कार्रवाई करी है इसको। लड़की ने खुद ही नहीं गई, लड़की मना कर दी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, जब ये ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मुझे मारते पीटते हैं और मेरा इलाज नहीं करवा रहे, तो मैं अब नहीं जाऊंगी इनके साथ, पहले कमाने दो, सही से चलने दो, उसके बाद मैं चली जाऊंगी अपने घर पे। प्रेग्नेंट थी अफसाना जो? नहीं, प्रेग्नेंट नहीं थी, 2 बच्चे, 9 महीने की उस पे बच्ची है। तो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने उस चाकू को बरामद कर लिया है, और हमलावर जो पति है उनको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पूरी कार्रवाई होगी। लगातार अफसाना और उनके पति के बीच जो है विवाद होता रहता था, लेकिन अफसाना ने
कभी भी घर में इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र नहीं किया, लेकिन जब आज वो बच्चों के बैग लेने के लिए बाहर निकली तो उसका पति जो हमलावर है वो उसके पीछे निकला और उसकी बहन के सामने ही उसके ऊपर चाकू से एक दो नहीं बल्कि 8 वार किए। ये घटना उस वक्त हुई जब बुनकर कॉलोनी के सामने जो भारत नगर पुलिस थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर है हलचल भरा रहता है, लोग काफी संख्या में वहां पर रहते हैं, बावजूद इसके हिम्मत इतनी कि बीच सड़क पर अपनी ही पत्नी के ऊपर वो जानलेवा हमला करता है और वहां से फरार होने की कोशिश करता है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।